Welcome students. Today we are going to study division of decimal numbers. Decimal number क्या होते हैं, उनका addition, multiplication सब इसके previous lectures में मैंने डाला है. उनके link आपको description box में मिल जाएंगे. पहले वो study कर लो. Then this is the last topic, division of decimals. Okay. So let's start by taking some examples. बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस से आई हैव टू डिवाइड 6.4 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, आपको डिवाइड करना है 6.4 को 2 से. तो मैं जब आपको फ्रैक्शन सिखाया था तो मैंने आपको बोला था जिस भी नंबर को डिवाइड करते हैं उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 6.4 मल्टीप्लाई बाय हाफ. इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है, मतलब डिवीजन के साइड में जो भी नंबर होता है उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल आप यहाँ लिख लो. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो डेसिमल नंबर होता है डेसिमल को हटा के पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. जैसे 6.4 को डेसिमल पॉइंट को क्या मानते हैं हम, 1. डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो लगा दो यहाँ पे. मतलब 6.4 को क्या लिख सकते हो, 64 डिवाइड बाय 10 एंड हियर इट इज मल्टीप्लाइड बाय हाफ. नेक्स्ट स्टेप इजी बता रही हूँ, बिल्कुल इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. इसके बाद आप क्या करो, 10 वाले को अलग कर लो, मतलब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो. आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रीअरेंज करो, 1 को इधर ले आओ, 64 को इधर ले जा सकते हैं ना. 1 into 64 लिख सकते हैं और नीचे इधर 10 into 2 लिख सकते हैं. राइट, रीअरेंज किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो अब इसको ये क्या हो गया, 1/10 into 64 डिवाइड बाई 2. अभी आपको स्टेप्स ज्यादा लगेंगे, लेकिन जब आप इसको फॉलो करने लगोगे आप बीच के कुछ स्टेप्स स्किप भी करके डायरेक्ट कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले क्या करो, 64 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, डिवाइड करो 32. और इधर क्या है, 1/10, सो दिस इज 32 डिवाइड बाय 10. ये तो मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया. नीचे कितने डिजिट्स है, 1 जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 3.2. पीछे से एक डिजिट लो, उसके बाद पॉइंट लगा दो. So answer is 3.2. ठीक है, आपको स्टेप्स भले ही ज्यादा लग रहे हैं, बट इस मेथड से आप करो, आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा. ऐसे लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स. आई हैव 12.4 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, अब इसको क्या करोगे, वापस वही मेथड, 12.4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्या आएगा, 124. पॉइंट को 1 मानो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट, सो पुट 10. डिवाइड बाय 4, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई. करेक्ट, क्लियर है. इसके रेसिप्रोकल से आपको मल्टीप्लाई करना है. रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, वापस बोल रही हूँ, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई कर दो, रीअरेंज कर लो इसको. सो आई कैन राइट इट 1/10 into 124/4. इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 4 3s are 12, 4 1s are 4. अगर कटिंग नहीं आती तो लॉन्ग डिवीजन कर लो. 124 को 4 से डिवाइड करो, 4 3s are 12, 4 4 1s are 4, रिमाइंडर 0, तो 31. तो दिस इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाय 10. एक जीरो है नीचे, तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल दो, आंसर इज 3.1. ये मेथड से करो, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा आपका. सो दिस इज डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय अ होल नंबर, सॉरी डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर विद द होल नंबर. ये मेथड हो गया आपका. ठीक है, ऐसे ही चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं. अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस रिवाइंड करो, ये दोनों एग्जांपल फिर से स्टडी करो. लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक. अब दूसरे ले लो, जो अगर आपको 10 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, मानो 52.5 डिवाइडेड बाय 10. लास्ट लेक्चर मैंने मल्टीप्लाई बताया था, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, नंबर बड़ा हो जाता है. जब नंबर बड़ा होता है तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, डिवाइड होता है तो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट, या फिर ऐसा मान लो इसको. और इजी देखो, 52.5 है तो पहले इसको ऐसे लिखो, 10 है, ऐसा लिख सकते हो इसको. देन डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो, दिस इज 1/10. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10 and 10, 10 10s are 100, सो दिस इज इक्वल टू 525 डिवाइड बाय 100. तो मेरे 2 जीरोस है, तो पीछे से डिजिट्स काउंट करो, 1 2 और उसके बाद पॉइंट लगा दो, दिस इज इक्वल टू 5.25 और ये हट जाएगा. ठीक है, ये होता है और डायरेक्ट करना चाहते हो, अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया वेरी गुड, और आपको लगता है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो सिंपल जितने जीरो से आप डिवाइड करते हो 1 0 2 0 3 0 डेसिमल को उतने प्लेसेस आगे शिफ्ट करना है, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मानो 100 है, ठीक है, तो 2 डिजिट 2 जीरो से डेसिमल को 2 प्लेस आगे शिफ्ट कर लो, 1 प्लेस 2 प्लेस एंड पुट अ पॉइंट। सो दिस इज इक्वल टू 0.0.525। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, और इसका एक्सप्लेनेशन देखना है वापस उसी मेथड से। आपका क्वेश्चन था 52.5 डिवाइड बाय 100, पॉइंट हटाया तो हम इसको क्या 10 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 100 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं, 1/100 है ना, 10 × 100 कितना हो गया 1000। 3 जीरोस है, पीछे से 3 डिजिट काउंट करो, पहले नंबर लिख लो, 3 डिजिट काउंट करो 1 2 3 एंड पुट अ पॉइंट। तो द आंसर इज 0.525। तो डायरेक्ट भी वही आएगा, इस मेथड से करो, इस मेथड से कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, डेसिमल में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, डेसिमल कहाँ लगाना है आपको, ठीक है। अब ऐसे ही ये 10 से हो सकता है, 100 से हो सकता है, 1000 से हो सकता है, तो 3 प्लेसेस शिफ्ट करना है आपको, ठीक है। मतलब इन जनरल हमने क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर आप क्वेश्चन ले रहे हो जैसे 128.9 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना आना चाहिए 10, तो 1 प्लेस शिफ्ट 12.89। मैंने इस क्वेश्चन को वापस चेंज कर दिया, 128.9 डिवाइड बाय 100, 2 0 2 प्लेस शिफ्ट, सो 1.289। कहने का मतलब है जब डिवाइड करते हो तो नंबर छोटा हो जाता है, ये नंबर तो बड़ा था ना, ये नंबर छोटा है, यहाँ कितने होल नंबर के डिजिट्स हैं 3 होल नंबर डिजिट्स, यहाँ कितना है 1, 2 प्लेसेस का शिफ्ट हो गया, होल नंबर आपका 2 प्लेसेस कम हो गया, 2 जीरोस है, 3 जीरोस होंगे तो 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, तो अब क्या करना है मुझे 3 जीरो शिफ्ट 1 2 3, तो डेसिमल मेरा 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा। सो दिस इज 0.1289। यहाँ होल नंबर में कितने डिजिट्स था 3, यहाँ कितना है 1 भी नहीं है, मतलब 3 प्लेसेस कम हो गया उसमें। तो दिस वे यू कैन डू, ठीक है। अब इसी टाइप से मान लो जीरोस नहीं है, आप एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो, डेसिमल बाय डेसिमल नंबर। ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, सब मेथड एक ही है सबका। आपके पास है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, बहुत ध्यान से देखो मेथड, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी जैसे बोला। 0.5 है तो इसको क्या लिख सकते हो 5/10 डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हो 25/100 लिख सकते हैं ना, पॉइंट को 1 बना दिया, 25 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो आ गए, ये स्टेप क्लियर है। फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है इसका रेसिप्रोकल, सो दिस इज 100/25, ठीक। रीअरेंज कर लो, नंबर के साथ नंबर ले लो, या फिर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ 1 जीरो यहाँ 2 जीरो, इसको 0 से 0 कट कर दो, ठीक है। 5 × 10 50 डिवाइडेड बाय 25। अब चाहो तो आप इसको डिवाइड कर लो, 50 को 25 से डिवाइड करके देखो, आप लॉन्ग डिवीजन करना है तो लॉन्ग डिवीजन कर लो, वैसे हमें पता है 25 का डबल जो होता है 50 होता है, तो आंसर इज 2। ये आंसर आ गया आपका। आपको ये 0 अगर कट करना नहीं आता है तो आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 × 100 500, 10 × 25 250। अब यहाँ 0 0 काट दो, एक ही बात है, और फिर लॉन्ग डिवीजन कर लो, सो द आंसर इज 2। ऐसे बेटा और क्वेश्चंस भी आप बहुत सारे कर सकते हो। लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप, क्लियर है। अगर आपका नहीं हुआ है साथ में तो इसको पॉज कर लो वीडियो को, लुक एट द सॉल्यूशन और करो साथ में। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कर लो, जो स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड के, यू कैन प्रैक्टिस आरडी शर्मा मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, और आप 7th की बुक लेके भी कर सकते हो, 6th वाले 7th आप टेक्स्ट बुक करो एंड देन गो फॉर आरडी शर्मा। आपके पास क्वेश्चन है, लेट अस टेक 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, सेम मेथड। इसको क्या करेंगे 3094, 2 डिजिट्स था 200, 2 जीरो आ गए, डिवाइडेड बाय 7/10, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, 3094 * 10/7, जीरो तो काट दिया करो, नंबर्स हमारे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3094 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10, या तो ऐसे पकड़ लो या डिवाइडेड इंटू 1/10, तो सिर्फ एक ही 10 बचे ना, ऐसा लिख सकते हो या फिर इसको 70 बना लो, आपकी मर्जी है। एंड देन गो फॉर लॉन्ग डिविजन, लॉन्ग डिविजन कर लो 3094 इसको 70 से डिवाइड कर लो, या फिर जैसे मैंने बताया इंटू 1/10 कर लो, तो मुझे सिर्फ 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक ही आंसर आपका सेम आने वाला है। चलो 7 से डिवाइड करते हैं, पहले इसको अलग रख लेते हैं। 7 7 4 28, 2 9 कॉपी किया, 7 4 28, 1 रिमाइंडर, देन वी कॉपीड 4, 7 2 14। आपका क्वेश्चन कितना आ गया 442। तो इसका क्वेश्चन क्या आया 442 मल्टीप्लाई बाय 1/10, जब 10 डिनोमिनेटर में है तो आपको डिवाइड करना, तो एक डिजिट के बाद पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 44.2, दिस इज आंसर। हम सिंपल मेथड से कर रहे हैं, एक ही मेथड है मेरा, पॉइंट हटाओ फ्रैक्शन बनाओ, पॉइंट हटाया फ्रैक्शन बनाया, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, मतलब उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होने के बाद जीरोस अगर कट होते हैं तो जीरोस को कट कर दो, ऊपर एक जीरो है नीचे दो जीरो, एटलीस्ट एक जीरो को हम कट कर सकते हैं, फिर जीरो को हमने सेपरेट कर लिया ताकि नंबर हमारा बड़ा ना हो, इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लिया, आपको आंसर मिला 442, मतलब इसका तो आ गया 442, नीचे 10 भी बाकी है तो एक डिजिट डेसिमल लगा दो आगे, क्लियर। सो दिस वे यू कैन सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ओके। दैट्स इट स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड विद योर डेसिमल्स टुडे। कुछ आपको डाउट्स है इसमें, नहीं समझ में आ रहा है तो, या कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, यू राइट दैट इन योर कमेंट सेक्शन, कमेंट में डालो, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट।